बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दम बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी। ये हमने 1.5 किलो मटन ले लिया है, उसको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और यहाँ हमने लिए कुछ खड़े गर्म मसाले, तो ये 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, आधा चम्मच शाहजीरा, 2 बड़ी इलायची, 20 से 25 काली मिर्च, 6 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग और 10 से 15 ये नाकेसर है। और ये 2 चक्रीफूल के टुकड़े कर लिए हमने, और ये थोड़ी सी जावित्री के टुकड़े हैं 3 से 4, ये भी हम मटन में डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हरी मिर्ची का ठेसा है, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये 15 से 20 हरी मिर्च है, कम तीखी वाली। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम डालिए। ये भी हम मटन में डाल देंगे। और ये 8 से 10 टमाटरों को हमने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे मटन में। बहुत ही आसान है दम बिरयानी बनाना। और ये देखिए, ये 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो हम ये 3 चम्मच भरकर डालेंगे। ये देखिए, 1 और ये 2 और ये हो गया है 3। और ये हमने 750 ग्राम प्याज ली थी और उसका बिरिस्ता बना लिया था, तो ये थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। और ये जो है, हमने आधे से ज़्यादा मिक्सर के जार में डालकर पीस लिया था बिना पानी डाले, तो ये भी हम मटन में डाल देंगे। आप चाहे तो ऐसे ही बिरिस्ता डाल सकते हैं, मगर मैं इस तरीके से बिना पानी के पीस कर डालती हूँ। और अब हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। आप जितना कम या ज़्यादा खाते हैं डालिएगा। और अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये 1.5 चम्मच है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, कम तीखी वाली। और 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीने को इस तरीके से बारीक चॉप कर दिया है हमने, ये भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे दही, ये 1 पाव दही है, दही डालना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे बिरयानी में। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मगर हम पहले डालेंगे इसमें 1 चम्मच भरकर ज़ीरा। ये देखिए, ये है 1 चम्मच ज़ीरा। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि मटन में अच्छे तरीके से सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। और हम इसे 2 घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पर डालेंगे ये तली हुई प्याज का तेल है, तो ये 400 ग्राम तेल है, ये भी हम डाल देंगे। और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए भी आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं, पर मैं इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। और अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। ये देखिए, ये परफेक्ट बिरयानी मसाला पाउडर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपको ज़रूर से अपलोड करूँगी। तो ये मसाला भी हम बिरयानी में मटन में डाल देंगे। बहुत ही देखिए, हमने डाल दिया है मसाला भी। और अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, 2 घंटे हो गए हैं टोटल मैरिनेट किए हुए। और अब हम डालेंगे ये फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक हम फुल फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और मीडियम आँच पर हम 5 से 6 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। आप चाहे तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, मगर कुकर में जल्दी मटन गल जाता है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। यहाँ देखिए, हमने 1.5 किलो गोल्डन सेला बासमती राइस को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और हमने यहाँ 4 गुना ज़्यादा पानी लिया है चावलों से।
खुले पानी में हमें चावलों को बॉईल करना है। और यहाँ हमने लिए हैं खड़े गर्म मसाले, ये है 4 तेज़पान, 3 दालचीनी के टुकड़े, 10 काली मिर्च, 3 हरी इलायची और आधा चम्मच शाहजीरा, ये भी हम इस पानी में डाल देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, चावलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम डालेंगे नमक। नमक हमें यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है क्योंकि ये पानी हम सारा निकालने वाले हैं चावलों में से, तो हमारे चावल फीके हो जाएंगे ना, इसलिए हमें नमक ज़्यादा ऐड करना है। और ये है 2 चम्मच सिरका, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे चावल खिले खिले बनेंगे और कलर भी चावलों का बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे ढक देंगे और इसको बॉईल आने देंगे। ये देखिए एक सीटी हो गई है ना, तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब हम मीडियम आंच पे इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। और अब देखिए चावलों में बॉईल आ गया है, उबल गया है पानी। और हमने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था, पुदीने के पत्ते। आप चाहे तो इस वक्त सारा मसाला इसमें से निकाल सकते हैं पानी में से। और अब हम चावलों को इसमें डाल देंगे, सारा पानी निकाल देंगे हम चावलों में का और फिर डालेंगे। ये देखिए हमने चावलों को डाल दिया है। चावल हमारे बॉईल होना शुरू हो गए हैं, ये देखिए अभी हमारे चावल 70% कुक हो गए हैं, तो हम आधे चावलों को निकाल लेंगे। जो नीचे तह में चावल होते हैं ना फर्स्ट लेयर में, तो उसे हमें 70% बॉईल करना होता है, तो ये अच्छे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। और ये देखिए अब चावल हमारे 80% कुक हो गए हैं, तो हम इन चावलों को सारा निकाल कर छान लेंगे। यहाँ देखिए हमने कुकर की सीटी खोल दी थी, प्रेशर निकाल के हमने इसे डबल से पकने के लिए रख दिया है। अभी इसमें थोड़ा पानी है एक्स्ट्रा, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें से सुखा देंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों में से। अब देखिए पानी थोड़ा कम हो गया है, इतनी ग्रेवी काफ़ी है, हमें इसे ज़्यादा नहीं सुखाना है। ये देखिए हमने निकाल लिया इस तरीके से बड़े बर्तन में। अब हमने जो 70% चावलों को बॉईल किया था वो हम इस पर डाल देंगे। देखिए आप चाहे तो 2 से 3 लेयर वाला भी बना सकते हैं, पर मैं एक के लेयर में बना रही हूँ। ये देखिए इस पर हम ब्रेस्ट डालेंगे। अच्छे तरीके से फैलाकर डालिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरिस्ता से बिरयानी में। और ये 1 चम्मच गरम मसाला है, ये भी हम अच्छे तरीके से डाल देंगे। और ये जो 80% हमने चावलों को बॉईल किया था ना, वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और ये है ऑरेंज फूड कलर, इसे हमने पानी में घोल लिया था। इस तरीके से डाल देंगे हम। और यहाँ हमने लिया है ग्रीन फूड कलर, ये भी डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, मगर इससे जो है लुक बहुत ही अच्छा आता है, और बिरयानी में कलर होना ज़रूरी है। और ये हमने मसालों का तेल निकाल लिया था, ये हम चावलों पर अच्छे तरीके से फैला कर डाल देंगे, इससे चावल हमारे अच्छे शाइनी बनेंगे। वरना क्या होता है, सारा तेल नीचे रह जाता है और चावल रूखे रह जाते हैं, तो इस तरीके से हमने डाल दिया है। और अब हम डालेंगे 4 से 5 केवड़ा एसेंस के ड्रॉप। अगर आप केवड़ा वाटर डालना चाहते हैं, रोज़ वाटर डालना चाहते हैं, तो डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे असली देसी घी, तो ये हम 2 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच डाल दिया है मैंने, और 1 चम्मच डालेंगे हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है देसी घी से बिरयानी में। देखिए हमने दम पर लगा दिया है, नीचे हमने तवा रख दिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए
तेज़ आँच पर बनाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे कम आँच करके। हम इसे और 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी से भरा हुआ जग रख दिया था दम के लिए। देखिए वज़न रखने से बहुत जल्दी दम हो जाते हैं चावल। आप चाहे तो आटे से भी सील कर सकते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बिरयानी कितनी टेस्टी बन करके तैयार हुई है। ये तो आपको खाकर ही पता चलेगा और आप हमारी रेसिपी जब ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये बिरयानी बहुत ही शानदार और मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। देखिए ये बिरयानी को हमने इस तरीके से सर्व किया है और यहाँ हमने मट्ठा रखा है बिरयानी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है बिरयानी के साथ में मट्ठा। ये देखिए गुलदस्ता, गुलदस्ता आपको सलाम कर रहे हैं। तो आपको हमारी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और दुआओं में हमें याद रखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।